हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू टेक्निकल टीवी में। दोस्तों, आज हम कंबाइंड कैपेसिटर की वायरिंग करके बताएंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये तीन वायर है जो हमारे फ़ैन के यहाँ से निकले हुए हैं। ये हमारा जो रेड वायर है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रेड वायर, ये स्टार्टिंग है, और ये ब्लू वाला जो है ये रनिंग है। ये येलो वाला जो वायर है ये हमारा कॉमन है। मैंने पहले से ट्रेस करके निकाल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए अब हम वायरिंग करते हैं। स्टार्टिंग वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग वायर लगा दिया है। ये हमारा एसी के कंपनी के साथ का ये कंबाइंड कैपेसिटर है। अगर मार्केट में आप लेने जाएंगे तो कंप्रेसर का जो पॉइंट होता है वो 3 पॉइंट का भी होता है, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 2 पॉइंट होते हैं। तो ये हमारा इसी एसी का कंपनी का ये कैपेसिटर है, इसलिए हमारा इस पर एक पॉइंट दिया है और इस पर 2 पॉइंट। जिस पे एक पॉइंट है वो हमारा फ़ैन का है, और जो 2 पॉइंट है वो हमारा कंप्रेसर का है। तो हमने स्टार्टिंग लगा दिया है फ़ैन का, अब हम लगाएंगे रनिंग। तो ये हमने रनिंग का यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे हमारा फ़ैन का जो है स्टार्टिंग हो गया है, यहाँ पे रनिंग हो गया है। जो 4 पॉइंट दिख रहा है उस पर हमारा रनिंग जाएगा, चाहे कंप्रेसर का हो चाहे फ़ैन का हो। अब जो हमारा बचा है फ़ैन का, वो हमारा येलो वायर बचा है जो मैंने शुरू में बताया, ये हमारा कॉमन है। कॉमन को हम कभी भी न्यूटन दे सकते हैं, तो हम कॉमन को यहाँ पे लगा देते हैं न्यूटन पॉइंट पे। कॉमन को हमने न्यूटन पॉइंट पे लगा दिया है, और हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे हो गया है और रनिंग यहाँ पे हो गया है। अब हम कंप्रेसर की वायरिंग करेंगे। कंप्रेसर की ये हमारी स्टार्टिंग वायर है रेड वाली, ये हम कंप्रेसर की वायर यहाँ पे लगा देते हैं। हमारा स्टार्टिंग कभी भी सिंगल रहेगा, इसको हम न्यूटन फेज कभी भी दे नहीं सकते हैं। और इसका जो अभी 2 वायर हमारे पास बचे हुए हैं कंप्रेसर के, एक हमारा रनिंग में यहाँ जाएगा, और एक वायर जो बचे हुए हैं वो हमारा कॉमन है, वो हमारा न्यूटन में चला गया। आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर का न्यूटन में चला गया है, और ये फैन का हमारा न्यूटन जो है कॉमन, ये हमारा न्यूटन में चला गया है। और कंप्रेसर के जो वायर हैं, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया रेड, और ये हमारा रनिंग हो गया। और यहाँ पे फैन का ये स्टार्टिंग हो गया, ये रनिंग हो गया। अब हमको रनिंग में एक पॉइंट दे देना है जो फेस हमारा बचा हुआ है। हम एक वायर अलग से लेते हैं, एक वायर अलग से हमने ले लिया है। यहाँ से हमको फेस उठा लेना है और हमको रनिंग पॉइंट पे दे देना है, फैन और कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हमारी वायरिंग हो चुकी है लगभग लगभग। ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, और ये हमारा कंप्रेसर का स्टार्टिंग हो गया। कंप्रेसर और फैन का दोनों हमारा स्टार्टिंग सिंगल ही रहेगा, और रनिंग हमने यहाँ पे लगा दिया है कंप्रेसर का और फैन का यहाँ पे, और इसके साथ हमने दे दिया है फेस, और जो फैन के कॉमन बचे हुए हैं वो न्यूटन में डायरेक्ट चला गया है, और कंप्रेसर के जो वायर बचे हैं वो भी न्यूटन में चला गया है। तो ऐसे ही हमारे कंबाइंड कैपेसिटर का वायरिंग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।